स्ट्राइक एंडला आहे रणजित, तर नॉन स्ट्राइक एंडला पंचरनची भूमिका पाहतो आहे पिंट्या. आणि सामन्याला सुरुवात होत आहे, क्षेत्ररक्षण सजलेलं आहे. दोन ओव्हरचा सर्कल आहे, पावर प्लेची दोन षटकं टाकायची आहेत सुरुवातीची. आणि सर्कल मध्ये क्षेत्ररक्षण ज्या पद्धतीने सजवायचं असतं त्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण जर सजवलेलं आहे, इथे सर्कलच्या आतमध्ये पाहायला गेलं इथे शॉर्ट थर्ड मॅन ठेवलेला आहे, एक डीप फर्स्ट स्लिप ठेवलेला आहे, स्क्वेअर पॉइंट ठेवलेला आहे, एक पॉइंट ठेवलेला आहे, एक शॉर्ट ऑफला गळी ठेवलेला आहे आणि फुल टॉस चेंडू टाकलेला आहे. आणि हा चेंडूचा समाचार घेताना इथे क्षेत्ररक्षक फलंदाज दिसतोय चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर सौकार. धन्यवाद डीजे मास्टर. आताच मला सांगितलं की इथे हरेश फॉर्मात आहे यावर्षीच्या मध्ये. या वर्षीचा विचार करता हरीश अतिशय चांगला फलंदाज म्हणून नावाजलेला आहे, नाव लौकिक त्याचं वाढलेलं आहे. पण इथे विषयाना मात्र सुरुवात एक सुरेख केली आहे. श्री गणेशा ओम श्री गणेशाय नमः म्हणल्याप्रमाणे चार धावाने त्यांनी गणेशाची सुरुवात केलेली आहे. चार धावाने आपल्या धावसंख्येची सुरुवात केलेली आहे विशाल. पुन्हा एकदा पुन्हा त्याच पद्धतीने टोळायला चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने जाते. बाऊल वन बाउन्स क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये, एक धाव पूर्ण होत आहे. षटकाची दोन चेंडू सांगतात, दोन चेंडू समोर संघाची धावसंख्या फळकावर पाहायला मिळते. बिनबाद पाच किरणा संघ बिनबाद पाच. या पाच धाव विशाळच्या बॅट मधून पाहायला मिळत. स्ट्राईक येतो तो हरीशकडे आणि गोलंदाजी मार्क रुपेश राईट राऊंड द विकेट मारा करू नाही तो हरीश साठी. पाहूया त्यांच्या बाराव्या खेळाकडून आम्हाला कळले की हरीश फॉर्मात आहे. आज त्यांचा फॉर्म पाहायचा आहे या इंद्राणी मैदानावर. ओ एक जोरदार मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात काही आला नाही. थोडीशी खेळण्यामध्ये प्रॉब्लेम आलाय तो फलंदाजाच्या. थोडा फाईन नाही दिशेने मारायचा होता फलंदाजाला. फलंदाजाला नीटचा चेंडू बॅटवर घेता आला नाही. पंचांकडे थोडीशी दाद मागितली हलकीशी, पण पंचांवर देखील त्याचा काही परिणाम झाला. चेंडू डॉट जातोय, निर्धाव जातोय आणि अशा पद्धतीने धावसंख्या स्थिरावतोय. सुंदर शॉट व्हायचा आहे षटकार. पंच षटकार झणझणीत षटकार असंच पाहायला मिळतोय आपल्याला. आपण पाहत आहोत जेव्हा जो खरा बॅट्समन असतो, खऱ्या बॅट्समनची ओळख इथे पटली जाते. खऱ्या बॅट्समनची ओळख इथे पटली जाते की जेव्हा बॅट्समन ऑफ स्टंपचा चेंडू पॉइंटच्या डोक्यावरून सरळ सीमारेषेच्या बाहेर षटकार पाठवतोय. कारण ऑफला षटकार मारणं ऑफ साईडला षटकार मारणं म्हणजे सहजासहजीच शक्य नसतं. आणि इथे मला माहिती मिळतोय की धोंडू काका मैदानावर लगातार दोन सामन्यामध्ये बॅक टू बॅक दोन मॅन ऑफ द मॅच पटकावल्या होत्या त्या हरेशनं. आणि मॅन ऑफ द सिरीज देखील, आणि आता तो सिरीजवर आहे लगातार, म्हणजे तिसरा मॅन ऑफ द मॅच खेळण्याच्या सिरीजवर आहे हरेश. आणि पाहायचा आहे तोच हरेश इथे खेळताना दिसतोय. आतापर्यंत दोन चेंडूचा त्यांनी सामना केलेला आहे. दोन चेंडू सामन्यामध्ये पहिला चेंडू डॉट गेला, तर दुसऱ्या चेंडूवर जनजन ऑफच्या दिशेने षटकार मारलाय. आणि पुन्हा एक वार चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने जातोय, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. ये आहे हवाई हल्ला जे मास्टर. आणि पाहतो एका बाजूने विशाल एक चांगली फलंदाजी करताना, कारण विशाल हा वैयक्तिक पाच धावांवर खेळत असताना पहिल्या चेंडूवर चौकार मारला, दुसऱ्या चेंडूवर एक धाव काढून स्ट्राईक दिला हरेशकडे, हरेश तिसरा चेंडू डॉट झाला, तर लगातार बॅक टू बॅक चौथ्या आणि पाचव्या चेंडूवर दोन षटकार मारून संघाला नेले ते सतराच्या घरात. सुंदर चेंडू डिफेन्सिव्ह पद्धतीने खेळून काढलाय. मिडॉनला डीप मिडॉनला चेंडू जातो, एक धाव पूर्ण होत आहे. एका धावावर समाधान मांडताय दोन्ही फलंदाज विशाल आणि हरेश. आणि षटक संपतोय.
एक षटक संपतोय तेव्हा संघाची धावसंख्या फलकावर पाहायला मिळतोय बिनबाद 18. सुरेख सुरुवात म्हणावी लागेल ती केलवणे संघाची, कारण केलवणे संघाचं ही जी सलामीची जोडी आहे, ही सलामीची जोडी या आपल्या विभागात तरी नक्कीच एक प्रख्यात विख्यात प्रसिद्ध फेवरेट म्हणावी लागेल विशाल आणि हरेश. गुलंदाजी मार्क होतोय नितेश, आणि पुन्हा एक आम्ही उशीर आलेल्या प्रेक्षकांना सांगू इच्छितोय की असा हा तिसरा दिवस अंकुश इलेव्हन कोफरवली, ग्रामस्थ मंडळ कोफरवली, त्याचप्रमाणे अमोल ग्रुप कोफरवली यांच्या संयुक्त विद्यमाने अंकुश स्मृती चषक 2018 असा तिसरा दिवस. आतापर्यंत आपलं सहकार्य जे लाभलंय त्याबद्दल धन्यवाद. उर्वरित सामन्यांसाठी उर्वरित खेळासाठी अशाच पद्धतीचं सहकार्य मिळावं ही श्री गणरायाच्या चरणी विघ्नहर्त्याच्या चरणी नम्र विनंती. पुन्हा एकदा त्या दिशेनं पॉइंटच्या दिशेनं पॉइंटच्या डोक्यावरून एक झणझणीत बाउंड्री मारलेली आहे. चेंडू आलेला आहे, पाहायचं आहे एक षटक आणि एक चेंडू नंतर संघाची धावसंख्या फळकावर पाहायला मिळतोय ती बिनबाद 22. पहिल्या षटकात 18 धावा, तर दुसऱ्या चेंडूच्या दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर पॉइंटच्या डोक्यावरून डीप पॉइंटच्या दिशेने एक झणझणीत चौकार. धावसंख्या टोटल मूळ 22, लॉस ऑफ विदाउट. पुन्हा पॉइंटच्या दिशेने मारे चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. हरेश वैयक्तिक 6 चेंडू खेळाय आणि 6 चेंडू मध्ये वैयक्तिक 21 धावा कुठून काढलेल्या आहेत. यात पाहायला गेलं तर त्याची जी खेळी आहे ही पॉइंटच्या दिशेने जास्त महत्वाची खेळी दिसतोय. एक षटकार मारलाय तो देखील पॉइंटलाच मारलाय, डी पॉइंटच्या डोक्यावरून मारलाय, 2 चौकार लगातार मारले ते देखील पॉइंटच्या दिशेने ऑफच्या दिशेने मारलेले आहेत. फक्त एक षटकार ऑनच्या दिशेने आणि आता मात्र ऑनच्या दिशेने तो खेळतोय. चेंडू जातो आहे बघूया, क्षेत्र रक्षक झेल करत आहे आणि क्षेत्र रक्षकाच्या हातातून झेल सुटतोय चेंडू सीमारेषेच्या. धावसंख्या बोलत आहे 32. पुन्हा जो गाईड गेला, आता मात्र चेंडू हवेत आहे, झेलकारी क्षेत्रक्षक येतोय, झेल होतोय की पाहायचं आहे. आणि आता मात्र अचूक झेल टिपलेला आहे, कोणतीही चूक केलेली नाहीये ते क्षेत्ररक्षकानं. आणि हरेश मात्र इथे खेळी संपुष्टात आलेले आहे. हरेश खेळी एक वाकडण्याचा एक झंझावत होता तो हरेश केळवण्या संघासाठी एक मोठी धावसंख्या उभारण्यात सहभाग करणारा होता तो हरेश मात्र इथे 8 चेंडू खेळून वैयक्तिक खात्यात त्यांनी जवळजवळ 27 धावसंख्या उभारली. 8 चेंडूत वैयक्तिक 27 धावसंख्या उभारली, त्याच्यात फक्त 27 धावा 8 चेंडू मध्ये त्यांनी 2 चेंडू डॉट केलेले आहेत आणि 6 चेंडू मध्येच म्हणावे लागतील त्या 27 धावा त्यांनी उभारल्या आहेत. तो तर हरेश धन्यवाद. अमित माद जोहे यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचा मी शब्द सुना नाही, हार्दिक स्वागत करतोय. अमितची भाषा अशी मी मग भाषी म्हणलो होतो, उडाया उडाया गया तारा मंडळ वगैरे वगैरे काय ते त्यांनाच बरोबर जमतोय, पण मी एक थोडीशी नकल करण्याचा प्रयत्न केलाय. पण सगळ्यांना बरं वाटलं म्हणजे कुठेतरी मी तुमच्याशी मॅच झालो जुळलो. पुन्हा एक वेळ मैदानाकडे जात आहे, धावसंख्या पाहायला मिळतोय 32 आणि गोलंदाजी मार्क वर निलेश राईट मध्ये विकेट ऑफ तुमच्या बराचसा बाहेर जाऊन आणि चेंडू पंतांनी हेरला आणि पंत सांगतायत की हा वांतर चेंडू ऑफ तुमच्या बाहेर होता. इव्हन चेंडूंनी उंची देखील जास्त घेतली होती त्यामुळे पंचांना कोणतीही शंका वाटली नाही, त्यांनी निदस्तपणे बिंदस्तपणे हा चेंडू
अवांतर घोषित केलेला आहे. पुन्हा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न. हा चेंडू देखील ऑप्शनच्या बाजूला, पण हा फुलटॉस चेंडू डीप ऑन ला चेंडू अडवला गेलाय. एक धाव पूर्ण होतोय, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न कोणताही नाही दोन्ही फलंदाजांमध्ये. इथे पाहायला गेलो विशाल आणि बंटी खेळताना दिसतोय. विशालकडे स्ट्राईक होता. विशाल आतापर्यंत तीन चेंडू खेळलाय. तीन चेंडूच्या खेळीत त्यांनी जवळजवळ चार चेंडू खेळला. चार चेंडूच्या खेळीत त्यांनी सहा धावा कुठून काढल्या आहेत. आता स्ट्राईक येतो बंटीकडे. आपण पाहतो एकाच एक सरळ असे आक्रमक फलंदाज इथे केलवण संघाकडे. जो राईट केलाय स्ट्रेट डाईव्ह म्हणावा लागेल हा चेंडू. आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण, अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण, जंप घेतलेला आहे. नंतर निश्चितच हाईटचा हाईटचा परिणाम, हाईटचा उपयोग, हाईटचा फायदा, बेनिफिट ऑफ द हाईट. या क्षेत्ररक्षणाची जी हाईट आहे या हाईटचा बेनिफिट इथे मात्र मिळाला आहे. त्यांनी हाईट प्लस जम्प या जम्पच्या साह्याने हा फर्स्ट बाउन्स क्लोज केला आणि चार धावा जाण्यापासून हा चेंडू रोखला गेला. एका धावेवर समाधान मानावं लागलं आणि एका धावनिशी संघाची धावसंख्या पाहायला मिळतोय ती 35 आणि दुसरं षटक संपतोय. आणि दुसऱ्या षटकाच्या समाप्ती 35 धावसंख्या फलकावर पाहायला मिळतोय. एक गडी बाद झालेला आहे तो हरीशच्या रूपात. आणि पुढचं समालोचन करणार आहेत माझे साथी समालोचक. एक आपल्या विभागामध्ये सातत्याने एक आग्रहाचं आमंत्रण त्यांना असतं आणि त्यांना आपल्या विभागामध्ये कॉमेडी द्यायला देखील आवडतोय. त्यांना आपल्या इकडचे प्रेक्षक आवडतात, आपल्या इकडचे रसिक आवडतात, त्यांना त्यांचं प्रेम आवडतं आणि आमच्या रसिकांना त्यांची कॉमेंट्री आवडते. ते भाईजान भाईजान सचिन और ये काफी अच्छी गेंद थी. नाइस बल्लेबाज इस गेंद को समझ सके. देखिए स्लोअर गेंद फेंकने के बाद टप्पा पड़ने के बाद कीपर के दस्ताने में चली गई है बंटी. इस बार देखा जाए तो नाकामयाब बने इस गेंद के ऊपर. अच्छी गेंदबाजी रुपेश की चल रही है. कुल मिला के स्कोर पहुंचा 53. और दिशाहीन भटकी के रंजन भाई. यस. और अंपायर ने दोनों हाथ खुले कर दिया. और ये अंपायर का जब सिग्नल आता है दोस्तों तो जरूर याद आती है. मुझे लगता है गणेश जी कहना कि शाहरुख खान की कोई ये होती है. लेकिन मेरा कहना है अगर अंपायर ये बता रहे नोना जी कि मुझे बंक होता तो मैं उड़ जाता तो शायद पक्षी की भी इच्छा है मुझे घर होता तो मैं ठहर जाता. इच्छा सबकी है दोस्तों लेकिन ये सिग्नल है व्हाइट का. और हवा में गेंद फील्डर नीचे. विकेट कीपर ने कह दिया मैं लेता हूं उसे. पकड़ लिया और खिलाड़ी पार. सेट बल्लेबाज मैदान से बाहर. डीजे मास्टर देखिए स्कोर पहुंचा है 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे. और बंटी अपने टीम के लिए 7 गेंदों में 14 रन इकट्ठा किया है 2 छक्कों के साथ. एक बेहतरीन पारी को इस टूर्नामेंट से लगभग देखा जाए तो इस मैदान से उन्होंने बाहर लिखा है. लेकिन शानदार पारी और अच्छी इस बार सफलता मिल चुकी है रुपेश को. दिघाटी बनाम केलने के बीच मुकाबला चल रहा है. टॉस का बॉस दिघाटी जिन्होंने किया गेंदबाजी करने का फैसला. अभी तक कुछ गेंदे शेष. और बल्ले का बाहरी किनारा. लेकिन देखिए विकेट कीपर ने ये गलती की. इसके हाथ से अगर ये गेंद लग जाती पकड़ लेते तो कट बिहाइंड होने वाला था. मगर यह खतरे का संकेत टल चुका है. इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं. स्कोर है 54 रन लॉस ऑफ द 3 विकेट के नुकसान पे इस बार केलवनी टीम का स्कोर. फुल टॉस गेंद भेज दिया और याद गोला भुजाओं को खोला छोड़ा टॉप का गोला मैदान से बरकरार लगाओ. अंतिम गेंद आखिरी गेंद शेष. और ये संदेश के बल्ले से निकला हुआ हथगोला मैदान से बाहर गया है. और इसी के साथ अंतिम गेंद है. स्कोर है 60 3 विकेट के नुकसान पे इस बार केलवनी टीम का स्कोर. और रुपेश की अंतिम गेंद देखिए जबरदस्त काम. क्रिकेट
अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, अंतिम गेंद के ऊपर कोई जीतेगा कोई हारेगा ये कह नहीं सकता। राउंड विकेट चिरनेर गवेंट की से दौड़ना शुरू कर दिया और ये देखिए लॉन्ग ऑन के ऊपर और ये गेंद फील्डिंग अच्छी हुई है लेकिन एक रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे पहुंचा है, लेकिन स्कोर पहुंचा है 61 पे 61 ना। लॉस ऑफ द थ्री विकेट के नुकसान पे और पारी का बचा हुआ ये अंतिम ओवरिंग और ये स्लॉग ओवर में धुलाई होगी। कितने रन इकट्ठा करते हैं तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। समय से बड़ा कोई नहीं है, ना भगवान बड़ा ना शैतान बड़ा है, समय सबसे श्रेष्ठ है दोस्तों। तो देखना पड़ेगा इस लॉग ओवर में कितने रन इकट्ठा करते हैं। ये तो क्रिकेट के ऊपर दोस्तों हम कह नहीं सकते, कई मर्तबा ऐसे हो चुके हैं कि हंसने वाले टीम को रोना पड़ा और रोने वाले टीम को हंसना पड़ा। ये क्रिकेट है दोस्तों और इस ओवर में हमारे स्कोर बताने जा रहे हैं 11 रन आ चुके और एक सफलता मिल चुकी है रुपेश को। चार ओवर समाप्त हो चुके, पारी का अंतिम ओवर स्लॉग ओवर बचा हुआ है और YouTube के माध्यम के तौर के ऊपर से देखा जाए 198 देशों में लाइव थेट प्रक्षेपण। दुनिया इस बार देखा जाए तो आनंद ले रहे के, लेकिन दोस्तों जब अर्जुन ने प्रण किया था कि मैं जयंत का सिर काटूंगा तो उसे गवाह नारायण था और आज इस बार देखा जाए तो अंकुश क्रिकेट क्लब कोपरौली इस ट्रॉफी के लिए इतना विशाल जनसमूह इस टूर्नामेंट का गवाह है। गवाह चाहिए, अगर कोर्ट में गवाह नहीं हो सकता तो मजा नहीं है उस केस में और ये गवाह है इसीलिए मजा है। अनुराग जी के भाषा में कहते हैं ये इतनी बड़ी क्या बोलते गर्दी इसीलिए लोग ये दर्दी भीड़ ही इनकी मराठी में, मुझे लगता है ये भीड़ है हमारी हिंदी और इनके मराठी में थोड़ा पहुंचना चाहिए नहीं तो ये लग बोलेगा ज्यादा हिंदी बोलते है कि सिंधी है। भैया तो मुझे लगता कल ऐसा ही लगा मुझे लगा जो ही में। तो इसी के साथ स्कोर 61। अतुल अतुल और ये देखिए सिंगल मिल सकती है, पूरा कर दिया है। वहां फील्डर कोई उपस्थित नहीं था लेकिन अपने फालो थ्रो में गेंद को कलेक्ट करने के प्रयास में इस बार बॉलर ने गेंद को पकड़ लिया है। शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे इस बार गेंदबाज और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 62। 62 पे स्कोर जा चुका है, लोग पूरी तरह से मैच का आनंद ले रहे। अंकुश ट्रॉफी 2018 के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। देखिए और ये चिन्नर का मुझे लग रहा है उसे मेला है आज और झूला देखिए झूले झूले लाल मस्त कलंदर और मजा है उसके अंदर। मुझे लग रहा है कोई अकेले हो सकता मजा नहीं रवल जी लेकिन दूसरी हो सकती है। छा गए गुरु कमाल है धमाल है और वो झूले को देखने के बाद सभी के मन में आया होगा हमारे पास मौका आया था कही गई है अब जब मिल जाती है तो कहते ये कौन है ये तुम्हारा मामा है। स्कोर 62। डंडा पार डंडा पार डंडे को अस्त व्यस्त कर दिया चलता कर दिया मैदान से और स्कोर 62 चार विकेट के नुकसान पिट्टी जमाता। चलो डीजे मास्टर थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। स्कोर 62 और इसी के साथ देखा जाए चार विकेट मैदान से बाहर और लगातार दो छक्के मार सकते हैं दिलीप और रावे के। इनके तरफ से 300 रुपए का इनाम उड़ाया लेकिन लॉन्गन के खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन इस बार देखा जाए दूसरा रन पूरा कर दिया पर्याप्त समय तक बल्लेबाज का बल्लेबाज के पास चित की चपलाई लोमड़ी के दिमाग के साथ दो रन पूरे कर दिए और इस दो रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है स्कोर पहुंच चुका है 64-64 चार विकेट के नुकसान पे। और ये देखिए आगे निकले लेकिन मामला मारो
नहीं जानते कवर के लिए कोई नहीं है, मगर मिली सिंगल स्कोर है केलो ने टीम का 65 पे स्कोर जा चुका है 4 विकेट के नुकसान पे। और मानो देखिए लोग पूरी तरह से इतनी कड़ी धूप में इस मैच का आनंद ले रहे और अंकुश ट्रॉफी 2018 के लिए आपस में तगड़ा रहे सभी टीम। उड़ाया 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 भाई तेरे सर के ऊपर से गेंद तारामंडल में और पैरल छक्का। और मास्टर बॉल दीजिए और इस बार देखा जाए 2 छक्कों के साथ पारी को संभाल रहे सिद्धेश और सिद्धेश का इंजन नवराज जी गर्म हो चुका है और जाते जाते गेंदबाज को रिवर्स कर कह रहे जाता है किधर तू और जो छक्का लगा दिया वो पैरेलल छक्का। अंतिम गेंद इस पारी का स्कोर है 71-71। देखिए माहौल क्या बन चुका है और क्रिकेट अनिश्चितों से भरा हुआ खेल और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। रंजीत भाई का कहना है वाइड गेंद और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे पहुंचा 72। मुझे लगता है पर्वत खड़ा करने जा रहे इस बार खिलौने की टीम दिघाटी के सामने। अंतिम गेंद और डंडा बाहर और घन घन बाजे घंटा कितना प्यारा घंटा। इसी के साथ देखा जाए दिघाटी गांव का ऊंचा कर दिया झंडा और उन्होंने जो उखाड़ा डंडा और वापस और इसी के साथ इस ओवर में बिल्कुल। तो शायद इस अंतिम ओवर में रन आ चुके 11 और 2 सफलता हासिल किया है अतुल ने तो कुल मिला के स्कोर पहुंचा इस बार खेलों ने टीम का 72 रन। जीतने के लिए 73 रनों का टारगेट रखा है। इस मैच को जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते और हेलीकॉप्टर से हमारे इस बार मेहमान आ चुके हैं उनका भी स्वागत आज के दिन के लिए तो हम उन्हें आमंत्रित कर रहे। कृपा करके आपकी सेवा हमने की है आपको हम यहाँ से फोन लगा रहे नोना जी आप वहां मुझे लगता प्लान कीजिए। तो शायद बची हुई इस बार देखा जाए तो शायद 30 गेंदे एक इनिंग समाप्त हो चुकी है 72 स्कोर हो चुका है 73 रन का टारगेट रखा है। कौन जीतेगा दिघाटी या केलवने केलवने या दिघाटी इसका तो विश्लेषण और आंखों देखकर हाल बताने के लिए माइक्रोफोन के ऊपर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे इस बार हमारे करीबी दोस्त गणेश जी गावड़ इनको पास आपको लेकर चलता हूँ। 30 गेंदों में जीतने के लिए 73 रन टू विन इस बार दिघाटी टीम। फिर से एक बार दोस्तों यहाँ पर अंकुश क्रिकेट क्लब कोपरोली की तरफ से स्वर्गीय अंकुश 11 स्मृति ट्रॉफी 2018 के माध्यम से तमाम दर्शकों का मेरा यानी गणेश गावन का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ते हुए समाधान रेवस्कर हमारे गुरु जितना भी कुछ इस मैदान के ऊपर हूँ जो है समाधान रेवस्कर सर से जो सीखा हूँ उतना मैं उनके बलबूते पर हूँ दोस्तों उनका स्वागत। और हमारे साथ जुड़ते हुए नवनाथ मात्रे और हमारे करीबी दोस्त अमित मात्रे। तो दोस्तों ये मुकाबला बहुत काड़े भरा होगा इसमें कोई संदेह नहीं कोई दौरा नहीं। ये मुकाबला ऐसा होगा सरन सर कि जैसे भारत पाकिस्तान पारंपरिक प्रतिद्वंदी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पारंपरिक प्रतिद्वंदी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड पारंपरिक प्रतिद्वंदी के जैसे जैसे ये मुकाबला होगा दोस्तीपूर्वक मुकाबला जरूर होगा लेकिन दोस्ती मैदान के बाहर और यहाँ पर कड़ा संघर्ष मैदान के अंदर ये होता है। और क्रिकेट का एक कहावत है आपका यहाँ पर टोटल जितना बढ़ता है उस टोटल को आप
आसानी के साथ पार करने की कोशिश करना चाहिए। जहां पर शुरुआती दो ओवर्स की पावर प्ले होती है, दो ओवर्स की पावर प्ले होती है जहां पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका होता है बल्लेबाजों को, तो यहां पर शुरुआती दौर में बल्लेबाजों को अपने पूरी तरीके से होश आवाज में खेलना होगा। ये देखिए 30 यार्ड सर्कल मतलब 22 यार्ड का पिच है और 86 फीट लंबी चौड़ी यहाँ पर बाई पिच रखी गई है। इस मैदान के ऊपर अगर खासे पूरा सपाट विकेट है और ग्राउंड की देखा जाए तो पूरी तरीके से आउटफील्ड में तेजी है। गेंद को स्टीयर किया जाए, नंबर 4 आ सकते हैं। तो शुरुआती दौर में ये देखिए पूरी तरीके से लाइव टेलीकास्ट प्राप्ति डिजिटल द्वारा दिखाया जा रहा है। यहाँ पर अभी अभी मोबाइल से जिन्होंने खोले हो उन तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत किया जाएगा। हमारे कमेंट बॉक्स की तरफ से मैकेनिक कावन, समाधान रेवस्कर, अमित माठरे और नवनाथ माठरे की तरफ से। ये देखिए रणनीतियां बनाती हुई मैदान के ऊपर खिलौना टीम के कप्तान, जहां पर शुरुआती दौर के यहां पर प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर जाते हुए नजर आ रहे अतुल और भवेश। एक दोनों भी घातक बल्लेबाज हो सकते हैं, लेकिन पहले से ही घातक बॉल कर नहीं चलेगा, लेकिन आपको इस मैदान के ऊपर घातक बल्लेबाजी टीम को जितवाने की, क्योंकि आन बान शान लग चुकी है अपने गांव की, जैसे खिलौना टीम भी अपने आन बान शान बचाने के लिए पूरी तरीके से जोखिम भरा यहाँ पर ये मुकाबला खेलते हुए। लेकिन शुरुआती दौर में यहाँ पर गेंदबाजी के तौर पर आएंगे गेंदबाज, फील्डिंग की रचना की जाए जल्द से जल्द बगैर टाइम पास। आज का दिन देखिए भगवान श्री गणेश का, वही पालनहार वही तारणहार, 64 कला और 14 विद्या जिनके पास है और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का आज दिन। दोस्तों देवो देखिए इस महागणपति यानी कि चिरनेर गांव का यहां पर महागणपति देखा जाए तो 14.60 के अवसर से रिक्वायर्ड रन रेट से खेलना होगा टीम गांव देवी दिघाटी को। और गांव देवी दिघाटी टीम की तरफ से उत्तर बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहला यहां पर प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी आ चुकी है, भावेश स्ट्राइक में आ चुका है तो नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज अतुल गाबंड गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे। जी नए गेंदबाज दिख रहे, शायद नए खिलाड़ियों को मौका दिया है और देना चाहिए, यूथ जनरेशन यंग टैलेंट को यहाँ पर दिखाना होगा। हर एक गांव में देखा जाता है समाधान सर कि कई पुराने खिलाड़ी खेल देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आजकल ये युवा पीढ़ी इतनी अच्छी हो चुकी है, इतना अच्छा उनके पास फ्लेक्सीबिलिटी है, उसी के कारण आजकल वो बड़े बड़े टीमों में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गेंदबाजी की बागडोर संभालने के लिए आ चुके हैं अजीत स्ट्राइक में बल्लेबाज भावेश, जिनके पास मुकाबले जीतवाने का एक ताकत होता है, टीम के तरफ से एक जेन्युइन विकेट कीपर का काम करते हैं और जितना विकेट कीपर का काम करते हैं उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। लेकिन फिलहाल तैयार हो चुका है गेंदबाजी के तौर पर अजीत, स्ट्राइक में बल्लेबाज, गेंदबाज दौड़ना शुरू है। पहले ही यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, पहला ही दंडना था कोप्रोली यहाँ पर स्मृति ट्रॉफी का पहला दंडना था 4 रन। डीजे डीजे। और ये देखिए पहली गेंद के ऊपर समाचार लिया और इरादा स्पष्ट किया, पहली गेंद के ऊपर भावेश ने फुल टॉस गेंद को सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, पहला चौवा और पहले चौवे की याद आती है तो इंडिया टीम से ऐसे 28 बार चौवा लगाया इंटरनेशनल महेंद्र वीरेंद्र सहवाग ने। तो हमारे दोस्त देखिए दिलीप भी इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, रावे से इस मुकाबले को देखने के लिए आ चुके हैं। देखिए बाइक छोर बैठ चुके हैं हमारे बिल्कुल और दिखिया, जहां पर गेंदबाज के ऊपर पहली गेंद के ऊपर एक हाथ बड़ा प्रहार मिलता है, मैंटेंडरी पावर पे दबाव में आता है गेंदबाज, लेकिन वापसी करनी होगी भावेश जैसे बल्लेबाज का, अगर उनका उनके नसीब का अगर सिक्का चला तो चित और पट उनका ही होगा, ये होता है क्रिकेट में, लेकिन कहा नहीं जा सकता पहली गेंद के ऊपर पहला चौवा उनके द्वारा। एक बार इस गेंद को कैरी किया कॉपी बुक स्टाइल कवर के ऊपर से डीप एक्स कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, ये गोल गिरफ्तार से गेंद गई 4 रन के लिए। बिल्कुल यहां पर
और देखिए ऐसा कहा जा सकता है एक अंग्रेजी लाइन है, यहाँ पर बल्लेबाज ने शॉट में क्लास दिखाया, ऐसा कहा जाता है फॉर्म इसके क्लास इज परमानेंट, ये लाइन बोले पर मजबूर किया। ये देखिए एक बार हवा में गेंद, दूस बार कैरी किया भावेश का यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, पहला सदमा गांव देवी क्रिकेट टीम दिखाटी को। जहाँ पर देखिए पहला सदमा लगता हुआ, मैंने जैसे तारीफ शुरू की भावेश ठाकुर की, वो तारीफ शायद पसंद नहीं आई। हमारा काम ही होता है हर एक खिलाड़ी का हौसला बुलंद करने का, ये होता है हमारा काम। और जहाँ पर नए बल्लेबाज घातक बल्लेबाज दिखाड़ी टीम की तरफ से बल्लेबाज आ चुके हैं अमोल पाटिल, तो गेंदबाज ने देखिए वेरिएशन के तौर पर गेंद को घुमाया था और उस घुमाव के कारण बल्लेबाज फ्रंट फुट का इस्तेमाल जरूर किया था गेंद सीधे विकेट के बाकी स्थानों में। बखूबी काम, पहला झटका 8 रन पर अमोल, इस बार बाहर, इस बार ये मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, आसमानी सुल्तानी जलाली छक्का। बेहतरीन डीजे मास्टरिंग करते हुए डीजे मास्टर का एक बार स्वागत किया जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है, तो ऐसा कहा जा सकता है समाधान सर कि अंगूठे में लगता है उसे नगीना कहा जाता है, अंगूठे में लगे उसे नगीना कहा जाता है, और शुरुआती ही गेंदबाज को तहस नहस करे उसे अमोल पाटिल कहा जा सकता है। गेंदबाज तैयार, ये देखिए बाहर निकलकर शपल होकर गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट के रीजन में, लेकिन चक मारिया गेंद यहाँ पर ब्लाइंड स्ट्रोक में तब्दील हुई और 4-5 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है और टीम का टोटल 14 रन, मतलब 14.60 की रिक्वायर रन रेट से खेलना है, वही करते हुए दोनों बल्लेबाज क्योंकि 73 रनों का पीछा करना है, 73 रनों का पीछा करना है बल्लेबाज अपने आक्रामक रवैये में। ये देखिए इस बार ये गेंद अंपायर द्वारा, जैसे अमित महात्रे ने कहा था मोहब्बत पिक्चर में जैसे शाहरुख खान ने हाथ फैलाए थे वैसे रंजीत महात्रे ने हाथ फैलाया, व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की एक अतिरिक्त रन, टीम का टोटल 15 रन, स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद, ये गेंद नहीं कर पाएंगे आप इस बल्लेबाज के लिए, नंबर और नतीजा ये देखिए सामने है 4 रन। ये देखिए 19 रन बनते हुए पहले ओवर में 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट गिर चुका है। शुरुआती दौर में देखिए बल्लेबाज भावेश ठाकुर ट्रैवलिंग का रास्ता नापने पर मजबूर, मैंने उनकी तारीफ जरूर की थी लेकिन वो तारीफ नहीं पसंद आई उनको, कभी कभार ज्यादा मीठी बातें हम करते हैं उनके लिए लेकिन वो मीठापन कई कई खिलाड़ियों के लिए डायबिटीज होता है, शायद ये होता है लेकिन ये मीठापन हमारे अबू से आना चाहिए। दोनों टीम के कमेंटेटर्स जिसको कहा जाता है, समालोचक की कहा जाता है, दोनों ओर से समांतर कमेंट्री होनी चाहिए, इसीलिए हम ये तारीफ करते हैं एक खिलाड़ी की। कई कई खिलाड़ी बोलते हैं कि ये तारीफ क्यों करते हैं, इससे कारण हमारी टीम हारती है, ये हारने का कारण नहीं है, आपके दिल में जज्बा होना चाहिए। व्हाइट कलर ची मैजिक थोड़ा त्रास देते है तर मैजिक थोड़ा साइड ला करून घ्या, आरसा चौड़ा रिप्रिंट देते है आरसा मैक्सिमो थोड़ी मागे घ्या, आणखी थोड़ी घ्या सर। सर ओके धन्यवाद सर, खूब खूब धन्यवाद, शुक्ला चौधरी आपला खूब खूब आभारी है। बिल्कुल, जहाँ पर देखिए नवनाथ मात्रे ने बताया और सुना, ये होता है क्रिकेट के बारे में प्यार। ये देखिए गेंद को हुक किया, गेंद जाती हुई डीप फाइव लेग बाउंड लाइन के बाहर, एक और जमीन फाड़ता हुआ शॉट 4 रन के लिए। वाह बेहतरीन डीजा ब्रेडिंग, 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए
23 रन एक विकेट गिर चुका है। यहाँ पर देखिए बल्लेबाज मानो कि जैसे आप कहते हैं समाधान सर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, वैसे अमोल की बल्लेबाजी देखकर भावेश की बल्लेबाजी देखकर यहाँ पर रह रहे हैं बल्लेबाज अतुल गावन। गेंद को सीधा पिक किया, गेंद के रडार में आए और सीधा गेंद को भेजा फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर। चार रन टोटल बनता हुआ 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए हरीश तैयार, ये देखिए इस गेंद को निकालना चाहते थे विकेट कीपर से गलती, ये गलती इस टीम के लिए उम्दा साबित हो सकती है। एक रन चुराने में दोनों भी बल्लेबाज माहिर और इस एक रन के साथ टीम का टोटल आता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन आते हुए नजर आ रहे हैं। हर वक्त जानकारी हमारे साथ हमारे गुरु समाधान रोज का दे रहे हैं, स्वागत किया जाएगा, दिल से स्वागत करूंगा दोस्तों उनका, क्योंकि मैं जितना हूं उनके बलबूते पर हूं। गेंदबाज राउंड विकेट, इस बार गेंद के नीचे जरूर आए थे, गेंद को भेजा सीधा लंबवान क्षेत्र में, उस गेंद को फील्ड किया बल्लेबाजों के पास, पर्याप्त समय बाकी था और तब तक एक रन अर्जित की और इस एक रन के साथ टीम का टोटल आता हुआ 25। अमोल व्यक्तिगत पहुंचे 11 के योगदान पर और अतुल खेल रहा है चार पर। ये देखिए क्रॉस बैटिंग शॉट्स है, पिक किया पेडल स्वीप, यहाँ पर ये लगता हुआ डबल वाल दंत मंदन चौवा। बिल्कुल कोपरोली गांव के गिरीश जमात्रे का ये गाना, आवाज भी देखिए क्या बढ़िया लाइन उन्होंने बनाई इस गाने की। गेंदबाज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव, मेंटली प्रेशर, ये देखिए फिर से एक बार उछलती हुई गेंद। इस गेंद को मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा था इस गेंद को अगर पॉइंट के गली में धकेलते तो नंबर 4 आते, लेकिन इस बार ब्लाइंड स्टॉक खेला तू द्वारा टोटल बनता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन आ चुके हैं। बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी का मतलब जैसे आपने रिक्वायर्ड रन रेट बताया था, लेकिन आपको पावर प्ले के ओवर्स में रन ज्यादा बटोरने चाहिए। ये देखिए अलग अंदाज से गेंद को फेंका और इसी गेंद के ऊपर नतीजा नंबर 6। नको मटली तरी शिर तुटली तरी ओ सवाई से सोड रे नाय सर, ये गाने मत बजाइए क्योंकि आज जितने दर्शक आएंगे और ये आपको प्राप्ति डिजिटल को द्वारा लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, ये गाने जहाँ जा सकते हैं क्योंकि आजकल इतने फैन फॉलोइंग है इस टूर्नामेंट के। देखिए आप व्यूवर्स देखिए वहाँ पर, देखिए कंप्यूटर के ऊपर और जहाँ पर ये गाना बजाया आज का दिन देखिए, और इस छक्के के साथ टीम का टोटल 35 रन आता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन आता हुआ। पहले 12 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। बिल्कुल डीजे मास्टर का तो स्वागत करेंगे, डीजे ऑपरेटिंग जरूर, लेकिन गलती होती है नवनाथ सर, उनको सुधारने का मौका उनके पास है और वो सुधारेंगे जरूर। जहां पर हम कहते हैं दोस्तों, गलती करने वाला इंसान होता है, गलती नहीं करता है वो भगवान होता है, और जो गलती बार बार दोहरा है उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जिस गलती को अपने दिल में दबाते हैं उसे हिंदुस्तान कहते हैं दोस्तों। इसीलिए आशीष महान क्यों कहा जाता है। गाना भी बजाओ, इसके बाद आपको मौका मिलेगा। और जीत के लिए 18 गेंदे 38 रन। नक्कीच गणेश तुला मी सांगू इच्छितो, कारण या गाण्याला डमिंग जरी असली तर आनंद शिंदे ने सांगितलेलं आहे की आमच्या गाण्याला बिलकुल डमिंग नसतं, लोक पुढचा सोडतात आणि मागचं धरतात, हे महत्त्वाचं। बिलकुल ज्या बर आपण काय सही बात, दोनों टीमों की स्थिती सेम। हा क्वार्टर फायनल क्वार्टर
दोनों की स्थिति बराबर है, पहले बल्लेबाजी करते हुए दो ओवर में दिगाड़ी टीम ने भी अकेले उन्होंने टीम ने 35 बना दिए। बिल्कुल दोनों का पगड़ा भारी दिख रहा है, दोनों छोर से 50-50 परसेंटेज मुकाबला। ये देखिए इस गेंद को फिर से एक बार खेलना चाहते थे फाइनल रीजन में, लेकिन गेंद स्टंप के ऊपर से आई, स्टंप के ऊपर से गेंद आई। यहाँ पर इस हर एक गेंद को कैमरे में कैद कर रहे हैं हमारे प्राप्ति डिजिटल की यहाँ पर कॉर्नर और टेक्नीशियन, देखिए पूरी क्लैरिटी के साथ इस मुकाबले को लाइव दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हमको मौका दिया बोलने का उन आयोजकर्ताओं का स्वागत। इस बार उठाई गेंद सिर्फ शॉट से जिसको कहा जा सकता है, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन के फील्डर ने इस गेंद को कैरी किया, यह दूसरा झटका लगता हुआ टीम गांव देवी क्रिकेट टीम दिघाटी को। ये देखिए यहाँ पर ये छक्का, ये जानबूझकर मेरे ख्याल से खेला हुआ शॉट है ऐसा लग रहा था, लेकिन आपको लाइन जरूर पता चल रही थी, गेंद को मेरे ख्याल से अलग अंदाज से खेलना चाहिए था, लेकिन बल्लेबाज ने सेफ शॉट के जरिए इस गेंद को खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर ने उस गेंद को कैरी किया और दूसरा झटका लगता हुआ टीम गांवदेवी दिघाटी को। लेकिन इस मरतबा जीत के लिए 16 गेंदे 38 रन, ये इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा है स्कोर कार्ड के ऊपर। जितनी देर तक अतुल गावन मैदान के ऊपर रहेंगे, मुकाबले का रुख कभी भी पलटने की ताकत, जहां पर ऐसे कहते हैं हम दोस्तों गेंदबाज सैयार। ये देखिए गेंद को हुक किया, इस बार गेंद मनमाव हरीश ने उस गेंद को फील्ड किया, एक ही रन मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, एक रन के साथ टीम का टोटला था स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन, स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं 36 रन। इस सवर की तीन गेंदों का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद विकेट, तीसरी गेंद के ऊपर एक रन, अंतिम पांच गेंदों पर केवल 7 रन है। इस देखा जाए तो अंतिम पांच गेंदों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 7 रन है बल्लेबाजी ने, और उसमें एक विकेट महत्वपूर्ण योगदान गेंदबाज ने दिया अपनी टीम के लिए। ये देखिए बाहरी किनारा फाइनल क्षेत्र में गेंद जाती हुई, इस बार फ्लिक किया गेंद को और गेंद यहाँ पर, और ये तीसरा दौड़ शायद पूरा करने के लिए है, और ये तीसरा दौड़ पूरा होता हुआ, जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा रन चुराया और 3 रन की बात करें तो याद आती है खिलाड़ी की क्रिस गेल, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में कभी भी 3 रन नहीं दौड़े, कभी भी 8000 रन से छक्के चौके की बारिश से रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर टोटल बनता है देखी जाए 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। 2 विकेट के नुकसान के बाद गेंदबाज तैयार। ये देखिए इस बार आसमानी छक्का, गेंद जाती हुई शॉट कर लेते ऊपर से डीप कर लेते बाउंड लाइन के बाहर, ब्रांडेड 6 रन। ये देखिए जीत के लिए 13 गेंदे और 28 रन, जीत के लिए 13 गेंदे 28 रन। मैं जब कहता हूँ कि लड़की जितनी पुरानी हो जाते हैं उसके उतने तीखे तेवर दिखते हैं, ये देखिए वैसे शराब जितनी पुरानी हो जाती है वैसे उसका नशा बढ़ जाता है, और मैदान के ऊपर खिलाड़ी जितना पुराना हो जाता है उसका वैसे उसके बल्ले की चमक बढ़ती है, वैसे होता हुआ नजर व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट के साथ टीम कटोरा 46 रन, जीत के लिए 13 गेंदे 27 रनों की दरकार। बल्लेबाज अतुल गावन को यहाँ पर मैदान के ऊपर डटा रहना जरूरी होगा। ये देखिए इस बार मौका है, मौके को यहाँ पर छोड़ा, इस मरतबा एक ही रन लेने में कामयाब, एक ही रन लेना चाहेंगे, 2 रन खेल लेकिन फिर से एक बार एक ही रन ली, और इस एक रन के साथ टीम का टोटल लगता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रन। जीत के लिए 12 गेंदे 26 रनों की दरकार, इस ओवर से 12 रन इकट्ठा किए दोनों बल्लेबाजों ने, इस ओवर में पूरी तरीके से थोड़ा सा टोटल, जीत के लिए 12 गेंदे 26 रन,
12 गेंदे अतुल को मैदान के ऊपर डटा रहना जरूरी होगा क्योंकि अतुल के बल्ले से देखिए समाधान सर रन बनते हुए नजर आ रहे हैं और जिस बल्लेबाज से आ रहे रन बनते हुए नजर आते हैं तो उस गेंदबाज को गेंद फुटबॉल की तरह नजर आती है और ये करना होगा। लेकिन माइक्रोफोन पर हम आमंत्रित करूंगा अगले दो ओवर के लिए हमारे गुरु समाधान रेवस्कर को। धन्यवाद दिनेश। सर्वप्रथम मी कोथरुली अंकुश इलेवन संघाचा आभारी आहे की माझ्या सारखे एका समालोचकाला निश्चित मित्रांनो आपल्या भागामध्ये मोठे मोठे कॉमेंटेटर आहेत। मी सुद्धा गेली 15-16 वर्षे समालोचन करतोय परंतु लाख 2 लाखाच्या टुर्नामेंटला मला कधीच आमंत्रण मिळत नाही किंवा संधी सुद्धा मिळाली नाही। इथे अंकुश क्रिकेट क्लब कोथरुली संघाने जी मला संधी दिली त्याबद्दल मी निश्चित आयोजकांचा आभारी आहे। धन्यवाद। तो फिलहाल आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मैं हूं समाधान देवस्कर। इस श्रृंखला का ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला केलवनी बनाम धिगाटी के बीच आरंभ है और पहले बल्लेबाजी करते हुए केलवनी टीम ने निर्धारित 5 ओवर्स में रन बनाए थे 72 और 73 रनों का लक्ष्य रखा था। देखिये दूसरी पारी का आगाज हो चुका है, पहले 3 ओवर समाप्त हो चुके और 3 ओवर्स में जिस तरह से यहां पर बागडोर संभाले बल्लेबाज अतुल और प्रेमनाथ ने एक अच्छी साझेदारी तीसरे विकेट के लिए पनप रही है। दोस्तों जीत के लिए 12 गेंदे शेष है और अभी भी 26 रनों की आवश्यकता है। कल से यहां पर इस मैदान पर रनों की भरमार हो रही है। 99 रन कल खोपटे टीम ने बनाए थे इस मैदान पर। बॉलिंग में परिवर्तन, इस बार हरेश शायद आए अपने कोठी की दूसरी ओवर लेके और पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया है बल्लेबाज अतुल ने। बिल्कुल सही बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। जीत के लिए और 20 रन चाहिए 11 गेंदे शेष है। हमारे साथ अमित जी महात्री जो भी गांव के, अमित जी आप भी माइक्रोफोन हाथ में लीजिए ताकि मिल बैठ के कॉमेंट्री करने से भी अच्छा मजा आता है। तो स्थिति यहां पर काफी मजबूत है, जीत की तरफ अग्रेसर हो रही है धिगाट की टीम। इन दोनों टीमों के बीच अक्सर बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस बार धिगाटी टीम का पलटा थोड़ा सा भारी होता हुआ, इस बार हरीज की गेंद थी, लगभग स्टंप के नजदीक जड़ में गेंद डाली थी, ढीली हाथों से सुरक्षात्मक ढंग से बल्लेबाज अतुल ने गेंद को खेला था। शॉट मिडान की दिशा में, कोई भी फील्डर वहां पर तैनात नहीं था। एक रन अर्जित किया, इस एक रन के मदद से टोटल हो चुका है धिगाटी टीम का 54 रन। जीत के लिए और 19 रन चाहिए, 10 गेंदे शेष है और जिस तरह से यहां पर विकेट खेल रहा है, कल से काफी आसान विकेट खेल रहा है, लगभग बल्लेबाजों के लिए यहां पर पैराई से नंदनवाने मैदान ये। हरेश धवना शुरू किया ईश्वर की संभवता तीसरी गेंद, लेफ्ट आर्म के बाहर की गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड में फिर एक बार, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर की गेंद। अंपायर रंजीत मात्रे जिनके पास काफी अच्छा तजुर्बा है अंपायरिंग का, वाइड करार दिया, ये तीसरी वाइड बॉल संभवता इस दूसरी पारी की। अतिरिक्त रनों में इजाफा, अतिरिक्त रनों की संख्या बढ़ती हुई 4 और कुल स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के बाद 55 रन। हरेश ओवर दिन गए दाहिने हस्ते, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद फुल किया है कवर के क्षेत्र पर और सीधा छक्का। पूरी तरह से पहले ओवर से मुकाबला अपने गिरफ्त में लिया है धिगाटी टीम ने। 9 गेंदों में 12 रन चाहिए, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि औपचारिकता है। बल्लेबाजी के लिए यहां पर बहुत ही अच्छा मौका, लगातार दूसरा छक्का भी हो सकता है, बेहतरीन बल्लेबाजी। केवल 5-6 रनों की आवश्यकता है, 67 रन बने हैं, पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला। नेक्स्ट मुकाबला होगा इनमें से जीतने वाली टीम और पहला मुकाबला जीतने वाली टीम यानी कि कलमोसरे के बीच और इनमें से जीतने वाली टीम के बीच दूसरे दौर का मुकाबला होगा। तो कलमोसरे टीम के कप्तान से सूचना है, निवेदन है कि इस मुकाबले के बाद, इस ओवर के बाद तुरंत कॉमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें।
है ये तो दिघाटी शांत रहता है। और सभी दिघाटी वालों से सूचना है मुकाबला जीतने के बाद आप कोई भी अंदर नहीं जाए, नहीं तो यहाँ पर पेनल्टी लग सकती है शायद 3 या 4 रनों की। दोस्तों मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा हो रहा है। देखिए इससे पहले कहा था कि खरबूजे को देखे खरबूजा रन पकड़ता है, बिल्कुल अतुल के कदमों के ऊपर कदम रखे यहाँ पर बल्लेबाज प्रेम कुमार बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह से दिघाटी का खेल पिछले 2 सालों से उभर चुका है, एक नई टीम थी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जब अतुल और प्रेम कुमार भावेश और अमर के जैसे बल्लेबाज दिघाटी में पैदा हुए एक अलग ही क्रिकेट में छाप। अंतिम गेंद बची इस ओवर की, हरेश अपने पहले ओवर में भी काफी महंगे हुए थे, 16 रन दिए थे उस ओवर से और इस बार अच्छा कमबैक, लगातार 2 डिलीवरीज ड्रॉप डाली। तो दोस्तों 5वें ओवर का खेल अभी भी शेष है, यानी कि एंड ऑफ द 4th ओवर एंड टोटल स्कोर मूव ऑन 267 रन। तो जीत के लिए अंतिम ओवर में 6 रन चाहिए, अभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट दोस्तों पूरी तरह से अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला खेल है। अमित जी यहां पर अगर केलव ने इस मुकाबले में वापस आना है तो आने वाले पहले 2 गेंदों पर मेरे हिसाब से डॉट गेंदें डालनी होगी, तीसरे चौथे गेंद पर विकेट लेना होगा। नूनाथ यस राजेंद्र पाटिल अपन व्यासपीठ कृपा करावी, राजेंद्र पाटिल अपन व्यासपीठ कृपा करावी। बिल्कुल जो रेवास्कर ने बात कही है मेरे मन की बात है, मैं भी वही कह रहा हूँ कि इस 2 गेंद डॉट जाना चाहिए, लेकिन 2 गेंद डॉट के अंदर एक विकेट जाता है तो हार प्रेशर बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, और ये मैदान ऐसा है इंद्रायणी मैदान, 6 गेंदों में 6 रन चाहिए। अगर मुकाबला बराबरी में छूटता है तो टॉस जीतने वाली टीम की जीत मुकम्मल की जाएगी। दोस्तों दर्शकों की संख्या यहाँ पर बहुत भारी तादाद में दर्शक देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों केलव ने और दिघाटी के बीच का मुकाबला है, जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है। 73 रनों का लक्ष्य रखा था, 4 ओवर्स में 67 बनाए दिघाटी टीम ने जवाब में, और बॉलिंग में 4th परिवर्तन यानी कि तीसरा परिवर्तन विशाल जो ऑलराउंडर के हिस्से से उनका स्थान है। 22 गेंदबाजी करेंगे लेकिन बल्लेबाजी दाहिने हिस्से करते हैं। बिल्कुल सही गेंद थी, लगभग स्टंप के जड़ में डाली थी गेंद, और इस बार विकेटकीपर बंटी जिन्होंने थोड़ी सी होशियारी अगर यहां पर करते तो 1 रन शायद रोकने वाले थे, लेकिन नहीं, आसानी से 7 रन बटोर लिया। इस 1 रन की मदद से 68 के योग पर कुल स्कोर पहुंच चुका है दिघाटी का। जीत के लिए 5 गेंदे और 5 रन की आवश्यकता, एक तरफ से तीसरे विकेट के लिए के पहले विकेट के लिए 8 रनों की साझेदारी हुई थी, भावेश जब आउट हुए थे टीम का स्कोर 8 था, और दूसरे विकेट के लिए अमोल और अतुल के बीच शानदार 27 रन की पारी साझेदारी हो चुकी थी, और इसके पीछे गेंद थी हल्के से खेलना चाहते थे। लगभग देखा गया तो प्रेमनाथ ने प्रेम कुमार ने जितने भी शॉट्स यहां पर खेले थे फाइन लेग डीप स्क्वायर लेग के इलाके में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का प्रयास था। इस बार हरेश चार गेंदों में जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता, नए बल्लेबाज रूपेश मात्र मैदान पर, लेकिन अतुल स्ट्राइक गेंद पर है। अतुल अभी तक अपने पारे में 3 छक्के और 3 चौकों का आघात कर चुके हैं, काफी उभरते हुए सितारे हैं, हर बार स्कोरर को बिजी रखते हैं, हर मुकाबले में 35-40 रन आसानी से बनाते 5 या 4 ओवर के मुकाबले में, एक अच्छे बल्लेबाज है। 4 गेंद और 5 रन की आवश्यकता, इस बार 22 से ओवर लेने की डाली हुई गेंद कट करते हैं गेंद को कवर पॉइंट और पॉइंट के बीच में से, और ये 4वां चाहिए जीत के लिए, स्कोर बराबर हो चुका है। 3
तीन गेंदें बची है और केवल एक रन। देखिए कल से यहाँ पर देखने को मिल रहा है आसानी से रन चेस हो रहे। देखिए अलग सा शॉट, इससे पहले भी दो तीन छक्के ऐसे ही लगाए थे। कितना बेहतरीन ड्राइव दिघाटी का, जो माहौल है समर्थक के काफी खुश नजर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों दिघाटी टीम ने पहला मुकाबला जीता है, केलोनी टीम को इस बार परास्त किया और दूसरा मुकाबला होगा दिघाटी टीम का तुरंत। बिल्कुल ये मुकाबला कांटे के टक्कर का जरूर हुआ है। जीत तो दिघाटी टीम ने हासिल किए, परास्त कर दिया केलोनी टीम को। जीतने वाले टीम का अभिनंदन, हारने वाले टीम का आभार मानते हैं। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो है जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, अतुल को आमंत्रित करने जा रहे हैं दिघाटी को, जिन्होंने 13 गेंदों में 40 और 2 सफलता हासिल किया। एक सरसलापति मैदान के ऊपर डट के खेल रहा था और उन्होंने कारनामा किया, इसलिए हमारे स्कोरर की तरफ से और हमारे तरफ से हम उसे आमंत्रित करने जा रहे हैं कि आप स्टेज के ऊपर आइए और ये ट्रॉफी प्रदान करने जा रहे हैं। नोना जी प्रदीप भाते इनके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाता है अतुल को, और अतुल को हम आमंत्रित करें, चाहिए आप स्टेज के ऊपर आइए। और अमित जी पिछले 2-3 सालों से अगर हम अतुल के बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखें, अनंत गावन जिनके वो लड़के हैं और अभी तक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ग्राउंड के खास करके चारों दिशाओं में स्ट्रोक खेलते हैं। ऐसा बंदा नहीं कि एक ही दिशा में ऑनसाइड ऑफसाइड पे खेल के रन बनाता है। देखिए यही अच्छे खिलाड़ी की एक निशानी है, अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। हमारी उम्मीद है कि भविष्य में लड़का बिल्कुल आगे जाएगा। जो रोस्कर ने कह दिया याच दरम्यान कोपरोली गावाचे हा सामना चार षटकांचा